सो गाइस, तो शुरू करते हैं आज हम एक नए गेम को जिसका नाम है डेविल वॉर। तो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस धमाकेदार गेम को। नो, अगर हम फेल होते हैं, अनंत की गहराइयों में हम गिरते चले जा रहे हैं। नो नो नो, वी आर नॉट अफ्रेड। ओ, एक छोटी सी रोशनी हमें दिख रही है। अब भाई, ये हम धरती पर कि नरक पे? नरक पे। अरे भाई, क्या आर्मर है यार। क्या होने वाला है हमारे साथ गाइस? ला गाइस, आर्मर तो एकदम झकास। इसको देख के तो डूम की याद आ गई। ओके, तो राइट साइड स्क्रीन रोटेशन, लेफ्ट साइड मूवमेंट। भाई हेल की जगह तो झकास दिख रही है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, ओपन कर लिया। पीछे हट जाते हैं भाई, कोई कुकुर कुकुर काट ले। ओ, तो ये हमें मिल गया है, एक देसी कट्टा। तो चलिए इसे लेके बढ़ते हैं आगे गाइस, देखते हैं क्या होता है। चमक धमक के साथ कौन आ रहा है? ओ, जॉम्बी। सी लिखा हुआ है, मतलब सी टाइप वाला है क्या? मतलब हेल में तो कई टाइप के राक्षस होंगे। ओहो, इन्हें मारिए अगर ये कमजोर होते हैं तो। भाई एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए। मतलब ये कमजोर हुए तो तलवार से अपनी चीर फाड़ काट के धुरा बिगाड़ सकते हैं इनका, पतरिया पतरिया बहन निकाल सकते हैं इनकी। ये ऐसे एग्जीक्यूशन बोलते हैं इसे। भाई ना आसमान में ना जमीन पे खजूर बैठे हुए हैं हम। ओ, ये है बी टाइप स्पाइडर एवेल, मतलब कुछ हट्टा कट्टा कुछ ताड़ा है ये। और ये भाई रॉकेट मार रहा है गाइस। बचना होगा बचना होगा बचना होगा, नहीं तो ये खोपड़ी में बड़ा सा होल कर देगा। जैसे जैसे हम इधर छटक रहे हैं, ये ले थोबड़ा सीधा कटा और ये धरती पे धाराशाही, सॉरी सॉरी नरक पे धाराशाही। ओके, तो इन महाशय का नाम है मिस्ट्री मैन, जिन्होंने हमें ये झकास वाला आर्मर दिया है। तो चलिए फटाफट अपना नेम इनपुट कर लेते हैं। ओके, तो मिस्ट्री मैन भाई, हम हैं नरक में, तो इस जगह का नाम है ग्लोटन फर्नेस। यहाँ पे थोड़े से डेविल्स कमजोर होते हैं, तो इस एरिया में हम आराम से घूम फिर सकते हैं, इस एरिया को हम देख सकते हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। ओके दोस्तों, तो ये है नरक जिसमें 7 क्षेत्र हैं, मतलब 7 रीजन। तो हमें अभी, हम फर्स्ट रीजन में हैं, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते चलना है। और इस पर राज करता है द लॉर्ड ऑफ ग्लूटन। तो स्वागत है आपका फर्स्ट रीजन में, फर्स्ट स्टेप इन टू हल। ओके, हमारा पहला कदम नरक में। आगे गाइस, कुछ चमकती हुई चीज दिख रही, कुछ सी टाइप का भी हमें दिख रहा है। रेड रेड, बस फटाफट हमें छोटे हैं और आगे बढ़ते हैं। पेट में चैक सेट दिए हैं। फायर डेविल, ये भी सी टाइप वाला है। और हाथ फेंकता है ये, तो वो भी हाथ होते हैं, चंबू से फेंकेगा। तो हमें लिफ्ट आगे दिख रही है। फिलहाल नरक का एरिया थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं। वो रहा वो पोर्टल गाइस जिससे हम आए हैं। एरिया तो जबरदस्त झकास। तो ये रही लिफ्ट। ओके, तो अगर हमें लिफ्ट पे ऊपर चढ़ना है तो कुछ इस टाइप के बटन ढूंढने होंगे जिस पर हम फायर करके लिफ्ट से ऊपर चढ़ सकते हैं गाइस। ये रहा। ओ,
रिक्वेस्ट की, गाइस की हमने नीचे देखी थी, फिलहाल इन्हें निपटाते हैं। चलो ये तो जमीन चाट लिए, अब कोई आने वाला है तो जाने की जगह किधर से है, ये रही। चलो जंप कर जाते हैं, जंप क्या कर जाते हैं, कूद जाते हैं, जंप का ऑप्शन नहीं है। तो हमें की मिल गई, ओहो हो, हेल का गेट भी खुल गया। तो हम एंटर कर चुके हैं गाइस, ये कौन है? रैम्बो नाम है बाबा का। भाई शिव डेविल, इतने छोटे से बच्चे को क्यों हवा मुंह उड़ा दिया यार। आओ नई गन भाई। ओके तो वेपन सेलेक्ट करना है हमें, तो ये रहा कौन सा ऑप्शन। भाई इसके पास नहीं जाना, ये आग मारता है, मुंह जला देगा। तलवार खोपती है गाइस। वो छोटा मोटा मुन्ना प्यारा कहां गया? ओ ये रहा रैम्बो, रैम्बो नाम है इसका। ओ ओ ओ हेलो, कैसे हो? ओ एटीट्यूड। तो फिलहाल रैम्बो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। ओके तो फर्स्ट स्टेप इनटू हेल का चैलेंज कंप्लीट हुआ। तो गाइस आखिर ये रैम्बो है कौन, देखते हैं। अभी तो फटाफट हमें रिवॉर्ड मिलेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। ओ तो रैम्बो का नाम है आईएमपीएस। मिस्ट्री मैन को भरोसा नहीं हो रहा कि हम यहां तक कैसे पहुंच गए आईएमपीएस तक। मतलब रैम्बो हमें फॉलो करेगा, मेले रैम्बो, मतलब ये भी लड़े बड़ेगा यार। सेकंड द फर्नेस ऑफ ग्लूटनी। तो चलिए आ गए हम सेकंड स्टेप पर। क्या बात है, रैम्बो हमारे कंधे पर चढ़ा हुआ है। ओ हो, मतलब नरक के जितने भी इन सोल्जर्स को हम मारते हैं तो उनसे कुछ आइटम्स गिरेंगे, जैसे हेल्थ हो गया, एमओ हो गए, तो रैम्बो उन्हें कलेक्ट करेगा यार। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सप्लाई एमो को हम भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है। ब्रिज बन गया, आगे बढ़ते हैं। फायर से बचना है हमें। ये कौन है? हेलहाउंड, ये भी सी टाइप है। ये क्या करेगा यार? अबे ये क्या हुआ? ओहो ये ब्लास्ट हो जाते हैं पास में आकर। भाई इनके लिए तो समय नहीं गंवाना, जैसे ही ऑप्शन आए सीधे गर्दन काट देने का। गाइस उठा लो रैम्बो, शाबाश। क्या बात है, प्यारा अपना दोस्त रैम्बो। ये क्या है, अग्निकुंड? जरा देख लेते हैं गाइस। भैंसे का सिर भी ऊपर चिपका हुआ है, जिसकी दो लाल लाल आंखें, यार खा जाने को तैयार है ये तो, खतरनाक टाइप लग रहा है। ओ
अब यहाँ अगर इस टाइप के ब्रिज को हमें पार करना है जो कि टूटा हो, तो हमें इस ऑप्शन का यूज करना होगा। यह क्या सही है, तो हमें नई जल्दी है शॉटगन। ओहो हो, ये तो फायर डेविल है तेरी ऐसी तैसी। तो उसके गिरने से हुआ क्या? ओहो हो, नीचे जाने का रास्ता बन गया है। तो ये अग्नि कुंड में कूद के देखें जरा, क्या हमारी हेल्थ डाउन होती है। चलिए चलते हैं गाइस। ये देखो चमत्कार, कुछ नहीं हुआ, हम आराम से ऊपर खड़े हैं। ये सिर्फ छलावा है, हेल का छलावा है गाइस। भैंसे का सिर तो ऐसे लटका रखा है सिर्फ डराने के लिए। तो चलते हैं नीचे। ओके मिस्ट्री डेविल, सेकंड चैलेंज में हमारा हुआ पूरा। ओ लेवल अप। दोस्तों गेम अच्छा लग रहा हो यार, और वीडियो भी अच्छी लग रही हो, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलते हैं अपने मेन स्टोरी की तरफ, लेवल 3। ओहो, रॉकेट लॉन्चर। ओके तो आगे सप्लाईज भी पड़ी हुई है, पहले इनको उड़ाते हैं। बड़ा वाला फिगर घुमाया, तू मारेगा हम भी मारेंगे। पास चलते हैं, इसकी भी गर्दन काट देते हैं। मर गया ऐसे ही डर के मारे कि गर्दन काटेंगे तो मैं ही इससे पहले पुम हो जाता हूं। ओके तो एक नया ऑप्शन हमारे पास, रिटर्न ऑप्शन, तो ट्राई करते हैं इसे। तो यहाँ चल रहा है टाइमर, तो अगर टाइमर से पहले आपको यहाँ से निकलना हो तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। ये तो द डील विद कर्ल को भी हमने पूरा कर लिया। कंफर्म, तो यहाँ हमें सारे रिवॉर्ड मिल गए। ओ तो गाइज यहाँ मिस्टर डेविल का दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो इसका काम है बस हमारे साथ डील करना, ट्रेड करना। तो हम चाहे तो एमओ सप्लाईज और ये आर्मर अपग्रेड करना हो, कुछ भी मिस्टर डेविल से परचेस कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ सारे ऑप्शन है गाइज हमारे पास अपडेट करने के। जैसे जैसे गेम में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ये चीजें हमें मिलती चली जाएंगी, इसे हम अपग्रेड भी करेंगे। तो गाइज हमारे मिस्ट्री मैन का भी वही कहना है कि मिस्ट्री डेविल सिर्फ ट्रेड करने के लिए हमारे साथ है, उसका दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, द लॉर्ड ऑफ ग्लूटोनी के हमें कुछ क्लू मिलेंगे जिससे हम उसको खत्म कर सकें। तो चलिए गाइज, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। ये रहा कॉन्क्विस्ट मोड, तो इसे हम जितना ही प्ले करेंगे हमें नए नए आइटम्स अपग्रेड करने के लिए मिलेंगे, हमारा हीरो का लेवल अप होगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं अपना हीरो कहां तक लेवल अप करता है, कौन कौन से आर्मर, कौन कौन से नए नए गन्स हमारे हीरो को मिलते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक मौज मस्ती एंजॉय करिए। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।